सैनिक जो कमांडर था उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के दो सैनिक आए आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर चार चार पांच पांच जो राउंड के ब्रस्ट मारे, बेड बड़ी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। मैं नहीं मानता। सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में दो जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। फिर बहुत गालियां दी। देखने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? की ठोकरें मारी। काफी देर के बाद में उनका जो कमांडर था उसने बोला कि इनके वेपन उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर दूसरे जो उनके साथी थे उनको सूचना दिया, उसके ऊपर कब्जा हमला कर दो। ये आवाज भी सुनी तो मुझे लगा कि यार आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए, और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसे रोटेशन से गोली मारी। पर जब एक कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तू मर गया। उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो, तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूँ। ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकल उसको ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। मुझे तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता ग्रेनेड फट गया। तो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक तो उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गया। तो उनमें खलबली मची। मेरा पास वही एक मौका था, मैंने दोनों हाथों से उसके राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग की, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। नुकसान करवाता है, मॉनिटर तोड़वाता है, माउस तोड़वाता है, कीबोर्ड तोड़वाता है, ये बहुत चीजें कराता है इंसान, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। फिर बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से तीन चार जगह से फायरिंग किया। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। कुछ उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे परस्त हो चुके थे, वो भाग खड़े। तो क्या कर, अपना सब कपड़ा इकट्ठा कर, पेटी में डाल और निकल लौड़े, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, पहली टिकट।